मंदिर माला परियोजना है, उसका मास्टर प्लान जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुंजी के मास्टर प्लान की बात की है, गढ़वाल कुमाऊं कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा है, उन सभी पर मैंने अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमको जो है इस प्लान की भी स्वीकृति दें। भारत सरकार के स्तर पर कुछ रोडों का चौड़ीकरण होना है, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उनका नामांकित होना है, उनका परिवर्तन होना है, उन सभी पर मैंने उनसे अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त राज्य की जो विकास की योजनाएं केंद्र से चल रही हैं और जोशीमठ में जो अभी धनावंटन हुआ है उसके लिए भी मैंने उनका धन्यवाद किया चार है। राज्यों के चुनावी नतीजे आज आए हैं और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं सेमीफाइनल, इसे देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उन सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये उनके अथक परिश्रम मेहनत की जीत है, वहाँ के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है, उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूंकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सबने, ज़्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। सर, अब तो चुनाव रिजल्ट भी करीब करीब फाइनल हो चुके हैं, यूसीसी को लेकर कुछ कदम उठाने वाले हैं? हाँ, उस पर तो हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है, वो तो हमारा कमिटमेंट है, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है, इसलिए हम उस पर आगे बढ़ेंगे।